करने वाले हैं सितंबर 2022 के अंदर जो टॉप सेलिंग कार थी, टॉप 10 के अंदर जो कार आने वाली थी, उसके बारे में हम बात करेंगे और कौन कौन सी वो कार्स है और क्या क्या यूनिट उनकी सेल हुई थी उनके बारे में इस वीडियो में हम बताएंगे। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं नंबर 10 के ऊपर जो कार है वो कौन सी है। तो आप गेस करिए, आप ये बताइए 10 नंबर पर कौन सी कार हो सकती है। तो ये एक मारुति की कार है और हम बात करते हैं मारुति की जो स्विफ्ट कार आती है वो नंबर 10 के ऊपर सितंबर 2022 के अंदर सबसे ज़्यादा इस कार की सेल हुई थी, 10 नंबर के ऊपर इसका है। और जो इसकी यूनिट थी वो 11,275, जी हाँ 11,275 यूनिट सेल करी है मारुति स्विफ्ट की सितंबर 2022 में। वही बात करते हैं फिर 9 नंबर के ऊपर, 9 नंबर पे कौन सी कार है, वो भी मारुति की स्विफ्ट डिजायर जो आती है सेडान के अंदर, उस कार ने सबसे ज़्यादा कार सेल करी है सितंबर में। तो 9 नंबर के ऊपर वो गाड़ी है और उसकी जो टोटल यूनिट सेल हुई थी वो है 11,868 यूनिट सेल हुई थी सितंबर 2022 के अंदर न्यू कार के अंदर। फिर बात करते हैं 8 नंबर के ऊपर जो कार है अपने रहने वाली है, वो है मारुति की, भी मारुति की ये कार है। और 8 नंबर के ऊपर जो मारुति की इको जो कार आती है उसने 8 नंबर पर अपना कब्जा हासिल किया हुआ है। और जो सितंबर 2022 में 11,999 यूनिट सेल करी है मारुति इको की। फिर बात करते हैं 7 नंबर पर, 7 नंबर पर और जो अपने इंडियन कंपनी है टाटा मोटर्स, उसकी एक कार जो नई लॉन्च रिसेंटली हुई थी टाटा पंच, वो 7 नंबर पर काबिज है। और उसने जो यूनिट सेल करी थी सितंबर के अंदर 12,006 यूनिट सेल करी थी। और एकमात्र एक ऐसी कार है जो अभी टॉप 10 के अंदर आ गई है टाटा मोटर और अच्छी टक्कर दे रही है ये हुंडई को भी। फिर उसके बाद बात करते हैं 6 नंबर पर, 6 नंबर के ऊपर जो सबसे ज़्यादा कार जो सेल हो रही है वो है हुंडई की क्रेटा। जी हाँ, हुंडई की एकमात्र एसयूवी सेगमेंट की एक ऐसी कार है जो टॉप 10 सेलिंग कार के अंदर है, जिन्होंने सितंबर के अंदर 12,577 यूनिट सेल करी थी इस कार की, हुंडई क्रेटा की एकमात्र एसयूवी जो टॉप 10 के अंदर हुंडई की एक ही ऐसी कार है जो टॉप 10 के अंदर सेलिंग में अपनी जगह बना पाई है। फिर बात करते हैं 5 नंबर पर, 5 नंबर पर फिर दोबारा सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वाली जो कार है वो है मारुति की जो अल्टो कार आती है, वो आपको इस सेगमेंट के ऊपर काबिज है 5 नंबर पे, जिसने सितंबर में 14,388 यूनिट सेल करी थी। फिर बात करते हैं 4 नंबर पर, 4 नंबर पर फिर अगेन एसयूवी और टाटा मोटर्स इस सेगमेंट में, एसयूवी सेगमेंट में 4 नंबर पर आ गई है। धीरे धीरे ये मारुति को टक्कर दे रही है और सितंबर 2022 के अंदर इस एसयूवी ने 15,085 यूनिट कार सेल करी थी। फिर हम आते हैं नंबर 3 पर, 3 नंबर पर जो कार है वो भी एसयूवी सेगमेंट की है और मारुति की ये कार है और वो है मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा। जी हाँ, ब्रेजा एसयूवी सेगमेंट की कार है और उसने 15,193 यूनिट सेल करी थी सितंबर 2022 के अंदर। फिर बात करते हैं 2 नंबर पर, 2 नंबर पर दोबारा मारुति की ही कार है और वो मारुति वेगनार है, जिसने 18,398 यूनिट सेल करी थी सितंबर के अंदर। तो ये अपनी 2 से लेकर 9 तक अपनी कवर हो चुकी है। अभी नंबर 1 के ऊपर आप भी गेस करके बताइए कौन सी सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलिंग कार है इंडिया के अंदर, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आपको 5 सेकंड मिलते हैं, उसके अंदर आप कमेंट करके बताइए कि सबसे ज़्यादा जो बिकने वाली कार है वो सितंबर के अंदर कौन सी हो सकती है। तो आपने कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दीजिए, क्योंकि अभी मैं नाम अनाउंस करने वाला हूँ जो है 1 नंबर पर जो कार है वो नेक्सा की है और नेक्सा की जो कार है वो मारुति सुजुकी बलेनो है। जी हाँ, 1 नंबर पर सबसे ज़्यादा यूनिट बलेनो ने दी है, बलेनो ने सेल करी है और वो 18,418 यूनिट सितंबर 2022 के अंदर सेल करी है। तो सबसे ज़्यादा जो बिकने वाली कार है वो सितंबर के अंदर बलेनो ही है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस तरीके की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइए। हम हर महीने की आपको 1 तारीख को या 2 तारीख को
टॉप 10 सेलिंग कार्स के वीडियो हम आपको हमारे चैनल पर दिखाएंगे। ओके, थैंक यू।